स्टूडेंट, मैं हिंदी सब्जेक्ट की टीचर रंजना मिश्रा। आज मैं व्याकरण में अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रिपीट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शब्दालंकार और सेकंड है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी पार्ट होते हैं और अर्थालंकार के भी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले लेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के पार्ट होते हैं थ्री। तो इसमें है, सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे अनुप्रास अलंकार, सेकंड नंबर पर है यमक अलंकार और थर्ड नंबर पर है श्लेष अलंकार। ये तो आपके हो गए शब्दालंकार के पार्ट्स। अब आइए आप अर्थालंकार के पार्ट्स। तो फर्स्ट नंबर पे है उपमा अलंकार, सेकंड पे है रूपक अलंकार, थर्ड पे है अन्वयन अलंकार, फोर्थ पे है प्रतीक अलंकार और फिफ्थ पे है संदेह अलंकार और सिक्स पे है भ्रांतिमान अलंकार, सेवेंथ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार, एट्थ पे है दृष्टांत अलंकार, नाइन्थ पे है अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको शब्दालंकार के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन है कि जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर व्यंजन शब्दों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स होता है उन शब्दों का बार बार आना, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण से स्पष्ट होता है, उसमें उदाहरण दिया है फर्स्ट वाला, राधा के बर बैन सुन चीनी चकत सुहाय और दाख दुखी मिस्री मुई सुधा रही सकुचाए। इसमें सा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात बार बार आया है। इसमें सुहाई में सा, सुधा में सा और सकुचाई में सा। और इसके बाद में है द शब्द की भी आवृत्ति हुई है, दाख में दा, दुखी में दा। इन शब्दों का बार बार आना यानी कि अनुप्रास अलंकार कहलाता है। सेकंड उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता और तमाल में ता और तरवर में ता। ता शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर ता शब्द बार बार आया है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसका सेकंड पार्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार की डेफिनेशन है जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द तो एक होता है लेकिन उसके क्या होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, उनका आना कहलाता है आपका यमक अलंकार। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, इकली डरी हों, घन देख के डरी हों, खाए बिस की डरी हों, घन श्याम मर जाए हों। इसमें इकली शब्द, इकली के बाद में आया है डरी। डरी यहाँ पे तीन बार आया है, इकली के बाद में डरी है और देख के डरी है हो और उसके बाद में है बिस की डरी हो और घन और उसके बाद में घनश्याम मर जाए है। ठीक है, तो ऊपर के पद में डरी शब्द तीन बार आया है, यानी कि डरी शब्द का तीन बार प्रयोग किया गया है लेकिन उन तीनों का अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पहले डरी का अर्थ पड़ी है,
जो दिया है इसमें, पहली डरी का अर्थ क्या हुआ जाके, पड़ी है, और दूसरी डरी का अर्थ, दूसरी जो लाइन में दिया है, दूसरी डरी का अर्थ है, दूसरी डरी का अर्थ भयभीत है, और तीसरी डरी का अर्थ बिस्की डाली या टुकड़ी है। यहाँ पे बिस्की डाली या टुकड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। थैंक यू।